हेलो स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि डीएनए क्या होता है। अब देखिए, एक सेल से दो सेल का या फिर बहुत सारी सेल्स का निर्माण कैसे होता है, सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, आपने पढ़ा होगा सेल क्या होती हैं। ठीक है, हम लोग कैसे है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स है ना। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है, बहुत सारी सेल्स, बहुत सारी जो है सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। क्या कहते हैं, बहुत सारी अगर सेल्स होती हैं उसे क्या कहते हैं, ऊतक। और बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर क्या बनाता है, हमारा पूरा शरीर। तो देखिए, एक सेल से तो हमारा निर्माण शुरू होता है। ठीक है, अब ये एक से दो कैसे बनती हैं, ठीक है, इनमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और कैसे ये कंप्लीट होती है, तो आइए देखते हैं। देखिए, इसे आज का मेरा टॉपिक है सेल डिवीजन या सेल साइकिल। ठीक है, देखिए कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन करके, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से एक सेल से दूसरे सेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो सबसे पहले जो एक नागेली साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1846 में इन्होंने क्या कहा, किसी भी नई सेल का निर्माण उसके पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ये आप हैं, ठीक है, तो आपका निर्माण किससे हुआ है, आपके पेरेंट सेल से। ठीक है, तो किसी भी सेल का फॉर्मेशन किससे होता है, उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से। तो जैसे अगर हमारी सेल बनना शुरू होती है, एक से दो कैसे बनेगी, इससे डिवाइड हो जाएगी और ये अलग हो जाएगी और ये क्या हो जाती है, दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, और ऐसे ही क्या बनती चली जाती है, सेल्स बनती चली जाती हैं। ठीक है, और ये टिश्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर जो है रुडोल्फ वर्चाउ ने इसे जो है कौन सा टर्म दिया था, ओमनी सेलुलाइजा सेलुला। ठीक है, ये टर्म का मतलब क्या होता है कि किसी भी नई कोशिका का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। इन्होंने जो है सेल डिवीजन की खोज की, रुडोल्फ वर्चाउ ने। ठीक है, और जो अगस्त वीजमान थे, इन्होंने क्या कहा कि जब कोशिका का विभाजन होता है तो उनमें जो है गैमेट्स जब आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, देन जो है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। आइए अब देख लेते हैं गुणसूत्र क्या होते हैं। डीएनए तो आपको पता है ना। देखिए, जैसे ये न्यूक्लियस है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। वेल डेवलप्ड देखा जाए न्यूक्लियस में तो क्या क्या चीज़ें होती है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और इसमें क्रोमेटिन थ्रेड्स पाए जाते हैं जिन्हें हम डीएनए कहते हैं। डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन पे सर्कुलर शेप्ड में ये लगे होते हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, सेल डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो ये जो आपके डीएनए हैं ये कैसे होने लगते हैं, ये खुलने लगते हैं। मतलब कि ये सर्पिलाकार में ये खुलने लगते हैं, जैसे ये है। ठीक है, जब इनके सेल डिवीजन की अवस्था आएगी तो क्या करेंगे, खुलने लगते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है कि ये कैसे होने लगते हैं, सिंथेसाइज होने लगते हैं, ये मोटे होने लगते हैं, मोटे तंतु होने लगते हैं और प्रिपेयर हो जाते हैं धीरे धीरे सेल डिवीजन के लिए। और एक ऐसी स्टेज आती है जब ये क्या होते हैं, आधे आधे अलग होकर, आधा इधर क्या हो जाते हैं, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और एक नई सेल का निर्माण होता है। ठीक है, सेल डिवीजन जो है सबसे पहले उसमें क्या होगा, केंद्रक का विभाजन। ठीक है, सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा, फिर केंद्रक के ऊपर क्या होती है, कोशिका, उसके बाद कोशिका द्रव्य और कोशिका का विभाजन होता है जिससे एक सेल से दो सेल का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जैसे ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, तो इनके गैमेट्स मतलब युग्मक, मेल और फीमेल के गैमेट्स मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट, जाइगोट मतलब युग्मनज। ठीक है, इनके गैमेट्स का मतलब क्या होता है, युग्मक। ठीक है, मेल में कौन से युग्मक होते हैं, स्पर्म, और फीमेल में कौन से युग्मक होते हैं, ओवम, जिसे हम अंडाणु कहते हैं और इसे शुक्राणु कहते हैं। आपस में फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं, युग्मनज। इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी। युग्मनज में क्या रह जाती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। आइए अब देखते हैं
क्रोमोसोम, मैं क्रोमोसोम बता रही थी कि क्रोमोसोम क्या होता है, कैसे आते हैं ये, ठीक है, किस स्ट्रक्चर्स के होते हैं, मैंने बताया ना डीएनए है, ठीक है। जब डीएनए को हम और ओपन करेंगे तो मुझे ये कैसे दिखते हैं, धागेनुमा संरचना दिखती है, ठीक है। और हम लोगों में डीएनए कैसे पाया जाता है, द्वि कुंडलित डीएनए, ठीक है, ऐसा। हमारी बॉडी में तो बहुत लंबा होता है डीएनए, ठीक है, लेकिन अगर एक स्ट्रैंड देखा जाए, एक सूत्र देखा जाए, तो एक सूत्र को क्या कहते हैं, गुण सूत्र, ठीक है, क्रोमोसोम। डीएनए की इकाई को क्या कहते हैं, गुणसूत्र, और गुणसूत्र की इकाई को क्या कहते हैं, जीन, ठीक है, जीन। अब देखिए जो ये गुणसूत्र है, मान लेते हैं ये गुणसूत्र है, ठीक है, एक थ्रेड यहाँ तक कंप्लीट होता है जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। ये जो आपके क्या क्या कहलाते हैं, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड फाइबर्स होते हैं, क्रोमेटिड तंतु होते हैं, और जिसमें गुणसूत्र आपस में जिस बिंदु पर मिले हुए होते हैं जिसे कहते हैं सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, गुड़ सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। इनमें देखिए जैसे एक यहाँ से यहाँ तक लेकर कुछ जेनेटिक कोड लगे हुए होते हैं। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन को कोड करते हैं, ये जेनेटिक कोड जैसे यहाँ से यहाँ तक लगे होते हैं, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, जीन, जेनेटिक कोड क्या करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है, तो हमारे गुणसूत्र में एक ऐसे थ्रेड पे यहाँ से यहाँ तक कुछ कोड्स होंगे जो इस प्रोटीन को कोड करते हैं। आप लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे कि जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं और वो कैसे उसमें प्रोटीन्स कैसे उसमें एडजस्ट होती हैं या फिर वो कैसे कोड करते हैं, ठीक। आप इतना समझिए कि गुणसूत्र क्या होती है, डीएनए की एक इकाई, और गुणसूत्र की इकाई क्या होती है, जीन, ठीक है। इन्हें बार बॉडीज भी कहते हैं, और जो गुणसूत्र है, ये जो धागे दिख रहे हैं आपको क्रोमेटिड थ्रेड्स कहते हैं, क्रोमेटिड्स कहते हैं, और गुणसूत्रों के मिलने के स्थान या बीच के स्थान को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। अब जैसे कि सेल डिवीजन होता है, ये एक गुणसूत्र है, ये बीच से ही सेंट्रोमियर से क्या होते हैं, ये ऐसे दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। पहले तो केंद्रक का जो है विभाजन होगा या गुणसूत्रों का विभाजन होता है, फिर इसके ऊपर धीरे धीरे कोशिका का भी विभाजन हो जाता है, और एक सेल से नई, जो एक सेल से दूसरी नई सेल का निर्माण होता है, ठीक है, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती, आधी। देखिए एक गुणसूत्र है, अगर दो में डिवाइड होगा तो आधा आधा रह जाएगा ना। तो इन्होंने अगस्त वीजमान ने जो है एक टर्म दिया कि जब भी जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो गैमेट्स युग्मनज बनता है, तो उनमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। अब देखिए सेल डिवीजन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, सेल साइकिल या सेल डिवीजन कहते हैं, कोशिका विभाजन, इसकी सेल डिवीजन की खोज किसने की थी, रुडोल्फ परचाउ ने, ठीक है। ये जीवन एस स्टेज, जी टू स्टेज, एम स्टेज और आपकी एस स्टेज, ठीक है। कितनी अवस्थाएं होती, कितनी उप अवस्थाएं होती हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्टेजेस होती है। जीवन स्टेज किसे कहते हैं, ये होती है आपकी जीवन मतलब फर्स्ट ग्रोथ स्टेज, प्रथम अवस्था, ठीक है, प्रथम वृद्धि अवस्था। और एस अवस्था को क्या कहते हैं, सिंथेसाइज स्टेज, ठीक है, और जी टू अवस्था को सेकेंड ग्रोथ स्टेज, ठीक है। और इन तीनों अवस्थाओं को क्या कहते हैं, इंटरफेज, इंटरफेज, ठीक है। और ये आपकी इसमें क्या आती है, माइटोसिस एंड मियोसिस प्रोसेस आती है, जिसमें कि क्या होते हैं,
आगे की जो सेल डिवीजन है वो डिवाइड हो जाती है और एक सेल से दूसरे सेल का निर्माण हो जाता है। अब आइए देखते हैं कौन से स्टेज में क्या क्या फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जीवन अवस्था आती है, इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारा केंद्रक है, ठीक है, इसके अंदर सर्कुलर शेप में है, हिस्टोन प्रोटीन होती है उसके ऊपर, ये क्या होते हैं सर्कुलर शेप्ड में लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब क्या होंगे, पहली अवस्था में ये एक्टिव हो जाएंगे, जैसे ही सेल डिवीजन की स्टेज आती है क्या होंगे, ये गुणसूत्र जो होते हैं, डीएनए जो होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाते हैं और आरएनए का जो है सिंथेसाइज करता है इसमें, जिसका सेल डिवीजन का 30-40% भाग यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर आइए देखते हैं कि सिंथेसिस स्टेज क्या होती है। ठीक है, इसे एस उपावस्था भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, जो है डीएनए रेप्लिकेट होने लगेंगे, डीएनए की प्रतिकृति बनने लगेगी और डीएनए द्विगुणित होने लगते हैं और स्प्रेड होने लगते हैं, मतलब अलग अलग होने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सी कितने टाइम लगता है, 30-50% सेल डिवीजन का इसमें कंप्लीट हो जाता है। फिर आती है G2 अवस्था, जिसे G2 उपअवस्था भी कहते हैं, सेकेंड ग्रोथ स्टेज। इसमें क्या होता है, जो डीएनए होते हैं वो ये क्रोमोसोम में मोटे तंतु के रूप में खुलने लगते हैं और ये इसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स। और गुणसूत्र को जो आपस में, क्रोमैटिड्स को आपस में जोड़ता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रो मेयर। ठीक है, ये वाली प्रोसेस कहाँ पर होती है, आपकी G2 अवस्था में, जिसे हम कहते हैं सेकेंड ग्रोथ स्टेज। जो जब आपकी M अवस्था आती है या M स्टेज आती है, वहाँ पे माइटोसिस डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। माइटोसिस डिवीज़न में जो स्टेजेस होती है वो 4 होती हैं। पहली पहली प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज, फोर्थ इज टीलोफेज। ठीक है, तो ये सारी अवस्थाएं होती हैं किसकी, एम अवस्था की। इसे हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5-10% यहाँ पर डिवीजन का पार्ट यह प्रोसेस होती है। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि माइटोसिस डिवीज़न क्या होता है, मेयोसिस डिवीज़न क्या होता है। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। देखिए, सेल डिवीज़न जो है, नागेली ने बताया कि जो किसी भी नई सेल का निर्माण उसकी प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है, मतलब उसकी पुरानी सेल से होता है। ठीक है, और रुडॉल्फ वर्चाओ ने सेल डिवीज़न की खोज की थी। और अगस्त वीज़मान ने क्या कहा कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उनके पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल्स का निर्माण होता है तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या होती आधी रह जाती है। ठीक है, सेल डिवीजन जो है या सेल साइकिल 5 स्टेजेस होती है इसकी। पहली जीवन, जिसे हम फर्स्ट ग्रोथ स्टेज कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोटीन्स जो होती है वो एक्टिव हो जाती है, आरएनए सिंथेसाइज होने लगता है और डीएनए जो है ओपन हो या स्प्रेड होने लगते हैं। फिर आती है सिंथेसिस स्टेज, जिसे हम एस उपावस्था भी कहते हैं। इसमें डीएनए का द्विगुणन शुरू हो जाता है, डीएनए दिखना शुरू हो जाते हैं। फिर आती है आपकी G2 या सेकेंड ग्रोथ स्टेज, इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं वो मोटे होने लगते हैं और पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अगर गुणसूत्र को देखा जाए तो ये क्रोमैटिड्स होते हैं ये। ठीक है, और जो जब क्रोमैटिड्स मिलते हैं आपस में, उस बिंदु को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। ये प्रोसेस यहाँ पर होती है। फिर आती है आपकी एम अवस्था, जिसमें आपको माइटोसिस डिवीजन होता है, ये 4 स्टेजेस में होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, मियोसिस डिवीजन क्या होता है और एक सेल से दूसरे सेल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, थैंक यू क्लास।